तीस अप्रैल की डेट अनाउंस कर देते हैं हम अपनी रैली की जो इलेक्शन की रैली लॉन्च है उसकी हम कल फैसला करते हैं परसों अनाउंस कर देते हैं कि हम अपनी रैली करने लगे हैं इलेक्शन के लिए जिसकी डेट अनाउंस हो गई है पुलिस के साथ बैठते हैं एक शाम पहले पुलिस बाकायदा सारी जो रूट है रैली की वो अप्रूव करती है पुलिस के साथ बैठ के तय होता है कि ये हमारी रूट होगी रैली की अगले दिन हमारे कारकुन आ रहे होते हैं हमारी रैलीज आ रही होती हैं जो तो मिल के मैंने ये जबान पार्क से निकलना था एकदम पता चलता सुबह बैंक एक सौ चवालीस लग जाता है यानी रैलीज की इजाजत एक वापस ले ली जाती है रास्ते में कंटेनर्स लग जाते हैं पुलिस की कंटेंजेंट्स आ जाती है हर जगह पुलिस खड़ी हो जाती है और फिर चले हम अब वो वर्कर्स को किसी को तो सुबह पता नहीं था वो तो रात से प्लान हुआ होता रैलीज अब जब वो आ रहे होते हैं जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है कि ये नहीं कि वर्कर्स से कुछ नहीं कर रहे किसी हमारे कभी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, दी जाती कि पुलिस के साथ कोई आ, 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 फसाद में पड़ो वर्कर्स वहाँ आके खड़े हो जाते हैं जान के वर्कर्स के ऊपर वाटर कैनन्स वो पुरामन लोग खड़े हुए हैं उनके ऊपर वाटर कैनन्स चलनी शुरू हो जाती हैं जो पुलिस उनके ऊपर चार्ज कर देती है डंडों से उसके बाद पता चलता है कि आंसू गैस चलनी शुरू हो गई है अच्छा हमें यहाँ यहां मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे रैलीज के लिए हम 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 यहां जाने की इंतज़ार कर रहे हैं और एकदम ये खबरें आनी शुरू हो जाती उधर रोक दिया फलानी जगह रोक दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जी आंसू गैस चल रही है लेकिन फिर पता चलता है कि पैमरा फिर एक्शन में आ जाती है और पैमरा फैसला करती है कि पीटीआई की ये ये दिखाना ही नहीं सब कुछ तो फिर हमें नहीं पता चल रहा होता आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया से पता चलना चलता है मुझे यहाँ बैठे कि हो क्या रहा है और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई कि यह क्या साजिश चल रही है साजिश क्या है जरा सारी कौम समझ जाए कि साजिश क्या है वो जो बाहर बैठा हुआ मुजरिम, जो झूठ बोल के यहाँ से बाहर भागा हुआ है और दूसरी दफ़ा भगौड़ा बना है पहले ये मुशरफ के दौर में साइन करके गया था कि मैं दस साल आऊँगा और झूठ बोलता रहा कि मेरा कोई अग्रीमेंट नहीं वो फिर सेहत से के इलाज के बहाने फिर बाहर भाग जाता है वहां से बैठ के वो कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए इमरान खान इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकता और लेवल प्लेइंग फील्ड ये है मैंने चोरी नहीं की इस मुल्क की मेरी कोई यहां से चोरी करके प्रॉपर्टीज बाहर नहीं मैं तो बाहर हलाल की कमाई का पैसा प्रॉपर्टी बेच के सब कुछ पाकिस्तान लेके आया हूं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पूरी उसकी मनी ट्रेल दी हुई है सुप्रीम कोर्ट को एक एक पाए का हिसाब दिया है कि मेरा पैसा किधर से आया मैंने प्रॉपर्टी किधर खरीदी बनी गाला में सारा रिकॉर्ड अवेलेबल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया ये जो वहां बैठ के नवाज शरीफ लंदन से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है यहां से अरबों रुपया चोरी करके लंदन के सबसे महंगे इलाके में प्रॉपर्टीज लेता है इसके बेटा अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में एक जगह पे रह रहा है इनका रहन सहन इनकी गाड़ियां सारा यहां का पैसा है और एक रसीद नहीं बता सकता वो ये कह रहा है कि मेरा और उसका एक ही बात है कि इमरान खान को भी जेल में डालो और लगता यह है कि अग्रीमेंट जो उसने की हुई है वो अग्रीमेंट के ऊपर अमल हो रहा है कि इमरान खान को अपने कैंपेन ही करने चाहिए इसको जेल में डालना है और मैं ये समझता हूं कि जो मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था इसको पता था जो वो तस्लीम हैदर जो लंदन में बैठ के उसने बरतानिया की पुलिस में रिपोर्ट दी है कि इसने कहा था कि इमरान ख़ान का और अरशद शरीफ का कत्ल होना चाहिए और वो वकील जो जो जिसने रिप्रेजेंट किया था वो कंफर्म करता है कि इसके सामने इसने कत्ल की बात की थी और यहाँ बैठे हुए थे लोग जिन्होंने इनके साथ मिल के ये मेरे ऊपर कत्लेना हमला किया था जिसमें शहबाज शरीफ है और जिसमें मैं बता चुका हूँ शहबाज शरीफ और दूसरा ये जो राना सनाउल्ला ये सब कातिल है और फिर डर्टी हैरी तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या ये मुल्क चल रहा है उस आदमी के कहने पे मनी लॉन्ड्रर मुजरिम सजा याफ्ता झूठ के ऊपर भागा हुआ कि इमरान खान को आपने कैंपेन नहीं करने देनी तो ये पहला कदम था उसका जब मुझे साजिश की समझ आ गई कि ये हमें उकसा रहे हैं फौरी तौर पर मैंने क्योंकि मुझे टीवी पे तो बैन किया हुआ था मैंने सोशल मीडिया पे कहा कि हम सारे कारकुनों को कहा कि अब आप वापस चले जाएं हमने रैली कैंसिल कर दी है क्यों रैली कैंसिल की क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि ये आप तसादम चाहते हैं और इस ये मेरे ऊपर डालना था कि इमरान खान ने यह सारा कुछ करवा दिया तो मैंने रैली कैंसिल कर दी लेकिन मुझे तब तक पूरी तरह इल्म नहीं था कि हुआ क्या है आहिस्ता आस्ता हमें ख़बरें आनी शुरू हुई कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ ये तीस चालीस सेकेंड की ये हमने एक वीडियो बनाई है आप ज़रा देखें कि ये लग रहा है कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा यानी तरीके इंसाफ के कारकुनों ने कुछ किया है ये जो आपने मनाजर देखे ये मकबूज़ा कश्मीर के नहीं ये पाकिस्तान के हैं कि अपने लोगों के ऊपर हो रहा है दर्जनों गाड़ियां तोड़ी वो जो खास तौर पे तकलीफ दे चीज सब पाकिस्तानियों के लिए है, कि वहां औरतें बैठी हुई हैं गाड़ी में उनके सामने वो उनकी हालत देखें कि कोई भी शरीफ लोग जा रहे हैं और उनके आप पुलिस हमला कर रही है और डंडे मार के शीशे तोड़ रही है उनके हाल देखें ये कोई लड़ने नहीं आए थे लोग एक पुरमन रैली में शिरकत करने आए थे और उसके बाद जो इन्होंने जिल शाह जो अली बिलाल से किया मैं मुझे तो आस्ता आहिस्ता सारी रात फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे लेकिन वो एक दीवाना था तो उसको आ... सोचें कि जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया झूठ बोला गया कि नहीं जी ये तो कोई पुरानी जब उसको उठा के पुलिस लेके जा रही थी आई विटनेसेस सामने हैं सबको पता क्या हुआ उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विस हॉस्पिटल लेके गया यानी कौन अपने लोगों से ये करता है कौन जुर्म क्या था इसका और वो जो जिले शाह था यहाँ सारी शाह मेरे घर के बाहर बैठा रहता था सारे लोग उसको पसंद करते थे वो एक ऐसा इंसान था यानी वो किसी का को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था मुझे सुबह के पाँच बजे आवाज़ें आती थी उसकी बाहर से इमरान खान को वो आवाज़ें दे रहा होता था और मुझे अफसोस ये है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका और तकलीफ दे चीज यह है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पर फेंक दिया और फिर तीन सौ दो यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पर डाल दिया है दो और मुकदमे डाल दिए हैं मेरे आप तकरीबन अठहत्तर केसेस हो गए मेरे ऊपर इसका कत्ल का भी डाल दिया ये है पाकिस्तान में इस वक्त इस वक, हालात मुजरम ने मुल्क को संभाला हुआ है कातल चोर मनी लॉन्ड्रर्स डाकू झूठ बोलने वाले सारा पैसा बाहर पड़ा इनका पाकिस्तान में इनको कुछ पाकिस्तान तो लूटने आते हैं ये इलाज इनके बाहर सर्जरीज इनकी बाहर ईदें इनकी शॉपिंग इनके बाहर बिजनेस इनकी बाहर ये सिर्फ मुल्क लूटने के लिए आते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुल्क का दिवालिया निकल रहा है इन्होंने आके मुल्क से वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता सौ रुपया सिर्फ दस महीने के अंदर डॉलर रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में इसका क्या इंपैक्ट आएगा अभी महंगाई की जो लहर आएगी जो लोगों गुर्बत की लकीर के नीचे जाएंगे जो एस्टिमेट किया जाता है कि करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं इनको क्या फर्क पड़ता है इनके तो डॉलर्स में पैसे इजाफा हो गया ये लोग आज ये हरकतें कर रहे हैं किसी तरह इमरान खान को बंद किया जाए आवाज़ बंद उसको कत्ल करो मारो जेल में डालो कल का ये जो सारा हुआ ये हमें जब साजिश की समझ आई जब मैंने ख़त्म किया साजिश ये थी कि इस तरीकान इंसाफ़ को किसी तरह इलेक्शन कैंपेन ना करने दो और इमरान खान को किसी तरह जेल में डालो रात को यहाँ सारे इन्होंने रास्ते बंद कर दिए जबान पा के यहाँ इन्होंने सारा बिजली काट दी जबान पा की अंधेरा कर दिया यहाँ पूरी तैयारी ऑपरेशन की हो गई इमरान खान को यहाँ से उठा के बलूचिस्तान लेके जाना था ढाई महीने उसको जेल में रखना था तब तक हमारी पार्टी को क्रश करना था और जो बोलने वाले हैं उनको उनके सजाएँ देनी थी उनको भी जेलों में डालना था और उसके बाद कंट्रोल्ड इलेक्शन करवा के तो फिर इन चोरों को मुसलत कर देना था ये था प्लान और क्योंकि मुझे लगता है इसलिए कि इतना शोर मच गया सोशल मीडिया पे कि जिस तरह बेदर्दी से इन्होंने उसको शहीद किया जिल शाह को उसकी वजह से इन्होंने प्लान नहीं किया मुझे पूरी उम्मीद है ये आ जाएंगे या कल आएंगे उठाना इन्होंने है ये मैं आज कौम को सर बता दूँ कि इनके प्लान के अंदर वो जो लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा है उसके प्लान के ऊपर उसने कोई एग्रीमेंट की हुई है उस पर चल रहा है पाकिस्तान तो इमरान खान को जेल डाल रहे हैं इन्होंने खैर हम मैं तैयार हूँ उसके लिए जेल के लिए तैयार हूँ बल्कि मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि देखें ये जो कल हुआ है ये आपके सामने क्या हुआ इन्होंने इस मुल्क की जमूरीत को नुकसान पहुँचाया जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया ये कौ कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है कि एक पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन की रैली कर रही है लॉन्च कर रही है उसके ऊपर कौन दुनिया में ऐसे कर सकता है और कौन से ऑफिसर्स करते हैं वो ऑफिसर जिन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया था हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि जो 23 या 24 ऑफिसर्स हैं इनको यहां पोस्ट ना करो हजारों ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ने इन उनको वापस हमारे ऊपर पोस्ट कर दिया और उन्होंने ये वो सारे जुल्म के पीछे थे और केयर टेकर का मतलब न्यूट्रल होता है मैं बार बार अपनी कॉम को बताना चाहता हूँ न्यूट्रल केयर टेकर होता है मतलब गैर जानबदार होता है ये गैर जानबदार हैं जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडा पे आए हैं कि क्रश कर करनी तरीकन साहब और इमरान खान को और मैं फिर से अभी इलेक्शन कमीशन को अभी मैं बाद में बात करूंगा इलेक्शन कमीशन पे लेकिन अभी कहता हूं कि देखिए यह आपके ऊपर सारा पड़ रहा है आप कैसे एक इस तरह का केयर टेकर सेटअप ले आते हैं दोनों जगह पे के पी बी और इधर जो हमारे मुखालफ के ऊपर बैठा देते हैं यानी कोई तो एक इंसान में अखलाकियात होती है कोई एथिक्स होती हैं कोई अच्छे बुरे की तमीज़ होती है कोई फेयरनेस होती है कोई इंसाफ के अंदर कोई थोड़ा सा सोच होती है ये कैसे कर सकते हैं किसी पर कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बढ़ा दिया जो जैसे कसम खाई हुई है कि किसी ना किसी तरह उसने तरीक़े इंसाफ को ख़त्म करनी है वो ऑफिसर सारे वो बैठा दिए हैं और फिर अब एक और काम होने लगा है अब इन्होंने फैसला किया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इलेक्शन करवाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स वो नहीं होंगे जो कि अदलिया से लिए जाएंगे बल्कि ब्योक्रेसी से लिए जाएंगे अब ये ब्योक्रेसी का तो हाल देख लिया आपने क्या इसी ब्योक्रेसी और ये जो चीफ मिनिस्टर ये रिटर्न ये रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा तो यह से तो पहले ही नजर आ गया कि यहां इलेक्शन में इन्होंने जिस तरह की धानली का प्लान बना हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को अभी भी ये है कि रिक्वेस्ट करें कि अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स आए क्योंकि यहां से तो कोई उम्मीद नहीं है ये जो लोग हैं इनसे तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जब केयर टेकर ये ब्यूरोक्रेट्स लेके आएगा तो इनका तो एजेंडा वाज़े है मैं दूसरी बात अब करना चाहता हूँ मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है सारी कौम ने आपके ऊपर उम्मीद लगाई हुई है इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्जा हुआ हुआ है इन मुजरमों का और जो लोग इनको बैक कर रहे हैं इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है अब इन्होंने तो सारा अपना वाजे कर दिया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को और वह पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कतल हो रहा है हर रोज कत्ल हो रहा है ये जो केयर टेकर बनाई है इसी से ही समझ आए कि जमुरीत क्या होगी वही बताएं जो कल एक इलेक्शन रैली के ऊपर जो इन्होंने तशद किया है, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारे मिल के कर क्या रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख आप, आपकी तरफ देख रही है और हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन के साथ खड़े हों हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें उम्मीद सिर्फ अब आप पे है और मुझे पता है कि आपको पूरा तकसीम करने की कोशिश की जा रही है ये जो माफिया है माफिया करता क्या ये जो ये जो जिसको सिसिलियन माफिया कहा था ये कौन है या ये लोगों को खरीदते हैं या ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं उनके ऊपर टेप्स बनाते हैं ब्लैकमेल करते हैं हर किस्म के उन, उनके ऊपर गंद उछालते हैं उनको उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज़ करते हैं अपने फैसले लेने के लिए ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जो टेलीफोन करके तो फैसले करवाते हैं जजेस से ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे से अटैक करके सुप्रीम कोर्ट को एक एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवाया और फिर रिश्वत चलाई बाकी जजेस खरीदे मैं सुप्रीम कोर्ट को आज अपने सारे जजेस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने आइन के साथ खड़े होना और जमूरीत के साथ खड़े होना क्योंकि अगर इस वक्त जो इनकी कोशिशें हैं ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे ये कत्ल करवाएंगे लोगों को ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे धमाके करवाएंगे सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं हैं तो पता नहीं क्या सेंसस हो गया तो ये हो गया ये हर चीज इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकलने के लिए क्योंकि इलेक्शन में इनकी मौत है इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम इनसे मुतनफर हो चुकी है वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है सारे बाई इलेक्शन में वाजे हो गया कि ये धांधली के बावजूद सारी आ, मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं जीत सकते इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और मुझे खौफ ये है कि ये किसी न किसी तरह ये माफिया अदलिया के अंदर फूट डाल के उसको तकसीम करके ये कोशिश करेंगे इलेक्शन से निकलने के लिए मैं इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी यूनिटी की ज़रूरत है आप मतहद हो के पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हो पाँच के पाँच जजज़ ने कहा था कि नबे दिन में इलेक्शन होने चाहिए अब पख्तूनख्वा में देख लें गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब आ, आ, वो इलेक्शन डिले करने के चक्कर में अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया और जबकि सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो जो टाइम था इलेक्शन करवाने का वो काम होता जा आगे हम आगे निकल गए तीस अप्रैल जाना भी गलत था क्योंकि आइन तो इजाज़त नहीं देता था लेकिन क्योंकि इन्होंने जान के सैबोटाज करने की कोशिश की तीस अप्रैल देनी पड़ी तो ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं अपनी अदलिया के साथ आ, 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 अदलिया को सिर्फ आ, कौम की तरफ़ से पैगाम देना चाहता हूँ कौम आपके साथ खड़ी है कौम वो और हम वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं आपसे जो इस मुल्क का आइना उसकी दफा चाहते हैं ये जो माफिया है ये जब जब फैसला इनके ख़िलाफ़ आता है ये अटैक कर देता है सुप्रीम कोर्ट को और जब फैसला साथ आता है तारीफ़ें शुरू कर देते हैं प्रेसराइज़ करके मैं आपको सिर्फ आखिर में रिमाइंड करवा दूँ कि जब जो धांधली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2015 में वो हमारे ख़िलाफ़ किया हमें बड़ी तकलीफ़ हुई एक दफ़ा बताएँ कि मैंने उसकी कोई तनकीद की हो हमने एक्सेप्ट कर लिया फिर जब आ, मैंने अपनी असम्बलीज रिजॉल्व की अप्रैल के अंदर पिछली अप्रैल में मैंने एलेक्शन अनाउंस कर दिए सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया सारा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही थी वो सारी हो रही थी कि इलेक्शन में आप चले जाए और वो चले जाते मुल्क बच जाता इस हजाब से लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने वहां कहा जी मैं मैं तीन महीने में इलेक्शन ही नहीं करवा सकता और वो फैसला हमारे खिलाफ चला गया बड़ी तकलीफ हुई हमें एक दफा बताएं कि मैंने तनकीद की हो उसकी लेकिन ये हर फैसला जो इनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर ये ब्लैकमेल करते हैं नाम ले लेके जजेस के खिलाफ बात करते हैं और इसलिए ज़रूरत है सारे मुल्क को कि अगर हमने अब आगे जाना है और इसकी मुल्क की बचत ही रूल ऑफ लॉ में है मुल्क बचेगा तब जब कानून की हुक्मरानी होगी वो उसको उसकी दफा करनी है सुप्रीम कोर्ट ने और हम सिर्फ आपसे अपील कर सकते हैं कि ये आपको हर प्रेशर डालेंगे हर आ, आ, वो नामूम अफराद से प्रेशर आएगा इन चोरों से आएगा ये रिश्वत भी ये ख़रीदते भी हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम सारी आपकी तरफ देख रही है और हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सबने कहा था आइन के अंदर नब्बे दिन में इलेक्शन उसको उसके साथ आपको पूरी तरह खड़ा होना चाहिए अब मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप आ, आ, तीसरी बात करना चाहता हूँ देखिए इलेक्शन कमीशन मुझे जितनी तकलीफ इलेक्शन कमीशन से है किसी को नहीं है इन्होंने मेरे ऊपर आपने एलिगेशन लगाई तोशाखाना की मैं आज राइटिंग में देता हूँ सबके सामने जिस वक्त ये अदालत में जाएगी ये तोशा खाना केस बाहर फेंका जाएगा क्योंकि मैंने मुझे पता है मैंने कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं की जो सत्तर साल से पाकिस्तान का कानून है उसके ऊपर चलाऊँ सब कुछ डिक्लेयर्ड है उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है सारा कुछ सारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है लेकिन मुझे पता है कि अगर ये तोशाखाना क्यों ये छुप रहे हैं बता नहीं रहे कि जी बाकी लोगों के तोशाखाना में क्या उनकी थी जिस वक्त वो सामने आएगा कौम को पता चलेगा कि तोशा खोना में बाकी बाकी लोगों ने क्या किया बाकी हुक्म जो प्राइम मिनिस्टर्स थे जो प्रेजिडेंट्स थे जो आर्मी चीफ्स थे ये क्या करते रहे तोशा खाना की गिफ्ट से वो इन शाह अगर ये पूरा केस खुले ताकि पता तो चले लोगों के तोशा खाना क्या है तो मुझे बड़ी तकलीफ है कि मेरे ऊपर इन्होंने किरदार के ऊपर इन्होंने ये जो उठाया इलेक्शन कमीशन ने और फिर फॉरन फंडिंग ये भी हमें घसीटा है मीडिया ट्रायल के थ्रू पता चला वो फ़ॉरन फंडिंग ही नहीं है अब पता चले प्रोहिबिटिव फंडिंग है लेकिन अगर आपने ये करना ही था हमारे केसेस सबके सामने हैं बुक्स सारी कॉम के सामने है लेकिन इन दो पार्टीज़ की क्यों नहीं सामने लेके आ रहे ताकि पता तो चले कि इन्होंने फंडिंग किधर से करते हैं तो मुझे तकलीफ इसकी है लेकिन मुल्क की खातर जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपने कातलों को जो जिन्होंने कत्ल करने की कोशिश उनको भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ मैं इलेक्शन कमीशन को भी सब कुछ जो मुझे जतीी तौर पर तकलीफ और हमारी पार्टी को पे, उसको भी माफ़ कर देते लेकिन इस वक्त कौम की ज़रूरत है अगर हमने इस मुल्क को दल दल से निकालना है इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर एलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है अगर ये ना हुआ या इंतशार होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ इस इलेक्शन को सही तरह ना करवाया गया और इसमें जो जिस तरह की धांधली प्लान की जा रही है ये जो केयर टेकर है यही धांधली है क्योंकि केयर टेकर तो होता है गैर जानबदार ये तो बिल्कुल दुश्मनों को ऊपर बैठा दिया है तो ये ही धांधली है और उसके बाद जो भी कदम है जो प्लानिंग हो रही है मेरी सिर्फ आपको अपनी कौम की तरफ से कि आपको इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहिए और किसी सूरत इन पहले ये जो गलत केयर टेकर अपॉइंट के इनके जरिए रिटर्निंग ऑफिसर्स इनकी बिरौ, इनकी ब्रोक्रेसी पर नहीं बल्कि जुडिशरी से मांगनी चाहिए जो अदलिया से हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए और फिर आखिर में आखिर में मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ देखें ये जिधर हमारा मुल्क खड़ा है ये आप सब समझ जाएं कि हम अगर इस ये जो जुल्म हो रहे हैं ये जो नासाफिया हैं ये जिस तरह के ऊपर चोर मसलत कर दिए गए हैं और फिर इनको ऊपर बैठाने के लिए हर किस्म की कोशिश हो रही है ड्राना धमकाना एफ आई आरस मारना ये जो आपके साथ जब तक कौम इसके साथ इसका मुकाबला नहीं करेगी अगर कौम इस इस इन िमों के सामने सर झुका गई और हमने इनका हमने खौफ की वजह से इनके सामने स्टैंड ना लिया तो आगे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कोई मुस्कबिल नहीं है क्योंकि अगर आप चोरों को किसी भी कौम के ऊपर बैठा देंगे किसी कौम का भी कोई मुस्तबिल नहीं है आज जो दुनिया में ग़रीब मुल्क हैं एक एक मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ एक एक मुल्क देख लें आप उनकी ग़ुरबत आपके आखिर में वो लोग कहेंगे जी जो हुक्मरान बैठे हैं वो पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं लेबनान है सबसे ज्यादा लेबनान जो था वो स, अब दुबई लोग जाते हैं ना तो हम जब बड़े हो रहे थे सब बरूत और लेबनान जाते थे आज लेबनान का दिवालिया निकल गया लोगों से पूछे उनके ऊपर करप्ट लोग बैठ गए आके वो कहते हैं करप्शन में मसला था नाइजीरिया सबसे ज्यादा तेल है अफ्रीका के अंदर तेल के जखीरे पर बैठा गुरबत की इंतहा है वहां ऊपर पैसे चोरी करके नाइजीरिया की दौलत मुल्क से बाहर जा रही है जो हमारे साथ हो रहा है तो हम मैं कौम को कहता हूँ कि ये लोग रह गए जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है आपका कोई मुस्तबिल नहीं है, तो पहले तो मैं अपनी वकला कम्यूनिटी को कहना चाहता हूँ देखें पाकिस्तान की वकला बरदरी के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है ये जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना ये जो आइन की धजियाँ उड़ाना ये जो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करना कि किसी तरह इलेक्शन से निकल जाओ ये वक्त है कि जो वकला सारे वकला को अपने सियासी अख्तलाफा दूर करके सबको इकट्ठा होना चाहिए कानून की हुक्मरानी के लिए आपने तारीख पाकिस्तान की तारीख बदली थी जब वकला कम्यूनिटी सारी खड़ी हो गई चीफ जस्टिस की बहाली में और जिसमें मैंने भी शिरकत की मैं जेल में भी गया पहली दफ़ा मैं जेल और एक ही दफ़ा जेल में गया हूँ तब दूसरी की तैयारी कर रहा हूँ अभी तो पहले जेल में भी गया सिर्फ अपनी एक आज़ाद अद, अदलिया के लिए और एक रूल ऑफ़ लॉ के लिए और हमने तो हमारी पार्टी छोटी सी थी पूरी तरह शिरकत की तो मुझे तब याद है कि वक्ला की मैंने जज्बा देखा इनका जो जो इनकी दिलेरी मैंने देखी और जो जो कमिटमेंट थी रूल ऑफ़ लॉ के लिए मैंने वो अपनी आंखों के से दे, देखी है अब बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब भी वकला के अंदर माफिया आ गया है और वकला के अंदर माफिया तकसीम करके बैठा है और वो इन चोरों के साथ खड़ा है तो मैं आप सबको अपील करता हूं कि ये टाइम आ गया है कि आपने हर तैयारी करनी है आपने किसी सूरत इस टाइम के ऊपर अपनी अदलिया को नहीं छोड़ना अपनी अदलिया को तरह नहीं छोड़ना आपने जो ओ रहे हैं आपने इंसाफ के लिए खड़ा होना है आपको अगर सड़कों पर निकलना पड़े आपको निकलना चाहिए क्योंकि जब तक हम आप नहीं करेंगे हम इनको शिकस्ती दे सकेंगे और आखिर में मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ अपनी यूथ को हमारी माशाल्लाह पैंसठ फीसद आबादी हमारी तीस साल की उम्र से कम है मुस्तबल आपका है आठ लाख पिछले साल हमारे नौजवान जब से ये चोर ऊपर मुसलत किए गए हैं मुल्क से छोड़ के चले गए उम्मीद खो बैठे हैं पाकिस्तान से देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा टाइम बाहर गुजारा है मैं आपको एक आध चीज़ बता दूँ कि देखें बाहर जाके आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी अगर आप प्रोफेशन हैं, आपकी आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे आप कंफर्टेबल जिंदगी भी गुजार सकते हैं बिल्कुल ठीक है लेकिन जो अपना घर है उसका कोई मुतबाद नहीं है आप हमेशा वहाँ प्राय समझे जाएंगे आपको सारा वक्त जो वो तीन चार जनरेशन्स भी वहाँ पैदा हो गई हैं उनको सारा वक्त एक धमाका होता है उनको साबित करना पड़ता है कि जी हम दहशत गर्दों के खिलाफ है और हम आ, आ, हम बड़े अच्छे शहरी हैं आ, 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 आपके मुल्क के जदर भी वो रह रहे हैं क्योंकि वो आपका मुल्क नहीं है हाँ कई अपना रहे हैं एडजस्ट भी कर जाते हैं कई कोई ज़िंदगी का मकसद ही होता है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें गाड़ी अच्छी हो घर अच्छा हो तनख्वाह अच्छी हो तो स्कूल में बच्चे अच्छे चले जाए बस उनका मकसद ही ज़िंदगी का ये होता है लेकिन जिनका इससे बड़ा मकसद होता है कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद से दुनिया में भेजा है हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह हमें ज़्यादा पढ़ा लिखा देता है तो हमारी जिम्मेदारी है माशरे को और सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ़ कायम करो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज़ मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया था फिर खुशहाली आई थी फिर रूज आया था फिर उनकी उन्होंने एक जमूरीत कायम की थी जमहूरीत का मतलब जुमुरियत, रूल ऑफ जमूरीत रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं बन सकती उन्होंने बादशाह पे नहीं मुसलमान खड़े हुए थे और वो जो जो फाउंडेशन रखी थी मदीना की रियासत में उन्होंने दुनिया की इमामत की थी और अल्लाह हमें बार बार हुक्म करता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो उनकी शरिया पे चलो तो हम मैं सबको आज आपको अपील कर रहा हूँ कि हमारा मसला ये है कि यह इंसाफ नहीं है और ये जो चोर ऊपर बैठ गए हैं और एन आर ओ ले गए हैं इसका मतलब इंसाफ नहीं है जब एक ताकतवर के लिए एक कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा इसका मतलब जंगल का कानून आ गया जंगल के अंदर शेर के लिए एक कानून और, और बेचारा हिरन के लिए दूसरा है तो हमें पाकिस्तान को एक वो जो इस्लामी रियासत जो बड़ी ख्वाब के नाम पर बनी थी उसकी बुनियाद इंसाफ है और इंसाफ के लिए जब आप खड़े होते हैं और और इंसाफ तो कमजोर चाहता है ताकतवर तो अपने आप कानून के ऊपर रखना चाहता है तो जब ताकतवर के सामने खड़े होते हैं यह होती है इंसाफ की जंग जहाद हजरत हजरत अबू बकर हजरत उमर हज़रत अली उनकी पहली पहली जब वो खलीफा बने तो पहली पहली चीज़ उन्होंने क्या की कि मैं ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊँगा इंसाफ कायम करूँगा हमारा मसला ही ना इंसाफी है और इसके लिए जो म है ये जो सब मिले हुए हैं ये जो सारे इनके सहूलत और ये जो ये जो ये जो मनी लॉन्डर्स और जो डाकू सब इकट्ठे हुए हुए हैं इनका सिर्फ एक मकसद है कि यह इंसाफ़ ना आने दो इमरान खान को मेरी क्या लड़ाई है उनसे लड़ाई ये है कि यह वो चीज कह रहा है कि इस मुल्क में अगर इंसाफ आया तो जो हम यहां याशिया करते हैं पैसा चोरी करके बाहर बड़े बड़े घर कानून से हम ऊपर ये उससे डरे हुए हैं हर आदमी जो इंसाफ से डरता है हर आदमी जो चाहता है कि हमारी स्पेशल प्रिवलेज हो वो हर आदमी इस वक्त एक तरफ खड़ा हो गया है और कोशिश कर उनको इमरान खान नजर आ रहा है किसी तरह इसको तो फारग करो देखिए मुझे ना जब मैं पॉलिटिक्स में आया था छब्बीस साल पहले मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था अल्लाह में मान आ चुका था ला 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 का मतलब समझ चुका था कि अल्लाह ने फैसला करना जब दुनिया से जाना है इतियात करता हूँ इतियात इसलिए करता हूँ कि ये जो मेरे दुश्मन हैं ये बड़े जितने खौफ ज़्यादा होते जा रहे हैं उतनी मेरी जान खतरे में है इतियात करता हूँ जेल में क्या फ़र्क पड़ेगा जेल में चला जाऊँ किताबें पढ़ लूँगा बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएँगे और ये ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी इनको ये इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैम्पेन कर सके कुछ करेगा तो तहरीक इंसाफ भी आस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी और ये जो, जो लोग हैं इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो आपने अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़, लड़, लड़ते रहना है ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तबिल है अगर ये हम कामयाब हो जाते हैं इस टाइम पे ये मुल्क बदल जाएगा जो मैं नया पाकिस्तान की बात करता हूँ वो पाकिस्तान आ जाएगा आपका उस रास्ते पे हम निकल जाएंगे लेकिन जुल्म के निजाम पे कभी भी कोई माशरा ऊपर नहीं जा सकता कुफर का निजाम चल जाएगा जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता हजरत अली का कॉल है ये निज़ाम कभी भी नहीं चलेगा और आपके सामने जिस जिधर हम गिर चुके हैं आपको पता है कि क्यों है कि जब आप उन चोरों को एन आर ओ दे दें और बेचारा गरीब आदमी जेलों में रहे तो उसको की तो कोई मुस्तबिल नहीं है इसलिए जो भी मुझे पकड़ते हैं आज पकड़ते हैं कल पकड़ते हैं मैं सारी कौम को यह कहता हूं कि आपने अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलना है जानवरों और भेड़ बकरियों में यह फर्क होता है भेड़ बकरियाँ सारे जुल्म सह जाती हैं इंसान इंसान का बड़ा मकसद होता है वो जुल्म का मुकाबला करता है वो जहाद करता है और वो एक माशेरे को जिंदा कर देता है हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो सारी दुनिया के लिए मुसलमानों के लिए एक चीज़ सामने आ गई कि जो राय हक है उसके लिए अगर आपकी जान भी चली जाए आप अपने माशरे को जिंदा कर देते हैं जिस तरह इलामा इकबाल ने कहा कि वो करबला कि सोच सारा वक्त मुसलमान रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में रहता है अपने आप को फिर से खड़ा करता है कि मैंने राय हक पर खड़ा होना है ये सीधी सीधी जंग है चोरों की और राय हक की और इसके लिए मैं फिर से कौम को अपील करता हूं मैं हूं या ना हूं आपने इस जंग इस जहाज से हटना नहीं है क्योंकि अगर आप हट गए तो ये सारा पाकिस्तान का मतलब खत्म हो गया फिर ये बहुत बड़ा धोखा था पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद